हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण ब्यूटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी ब्राइडल फेशियल कैसे करते हैं। ये ग्लैमावेद का ब्राइडल फेशियल किट है। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप है। कोई कोई फेशियल में 5 स्टेप ही होते हैं और किसी किसी में 10 होते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा फेशियल किट ले रहे हैं। तो अभी हमने जो ग्लैमावेद का ब्राइडल ग्लो का फेशियल लिया हुआ है, क्योंकि हमारे इस क्लाइंट की स्किन काफ़ी टैन हो गई थी। ज़रूरी नहीं है आप ये ब्राइडल पे ही कर सकते हैं, ये जिनकी काफ़ी डार्क स्किन है या बहुत टैन हो गया है वो स्किन पे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लैमावेद के फेशियल में 6 स्टेप्स है, आप देख सकते हैं। अभी हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे करना। फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग मिल्क। तो उसे क्लिनजिंग को पूरे फेस पर अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है। उसके अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, उसे अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप मसाज कर लेना है पूरे फेस पे। आपको 3 मिनट तक इसे अच्छे से मसाज कर लेना है, ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अगर आपके क्लाइंट ने मेकअप वगैरह किया हो वो भी रिमूव हो जाएगा इसे अच्छे से। तो इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और इसको फास्ट मूवमेंट में ही आपको क्लिनजिंग कर लेना है, ताकि वो ऑब्जर्व ना हो आपके बॉडी में, डस्ट वगैरह अच्छे से निकल जाए। आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी आपके स्टेप्स हैं फेशियल के, वो करते हुए फेशियल स्टेप करते हुए आपको क्लिनजिंग कर लेना है। क्लिनजिंग होने के बाद अभी हम डिटैन करेंगे पूरे फेस पे। ये मैंने रागा का डिटैन लिया हुआ है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। इसमें नेचर्स का भी आता है, सारा का भी आता है, जो भी आपके पास हो अवेलेबल वो कर सकते हैं। स्किन वाइज अभी मैंने रागा का डिटैन लिया हुआ है। अभी इसे मैं पूरे फेस पे लगा दूंगी 15 मिनट के लिए, वैसे ही छोड़ देना है आपको अप्लाई करने के बाद। डिटेन से क्या होगा, जो भी टैनिंग वगैरह इनके हैं, पैचनेस है पूरे स्किन पे, जो कहीं पे डार्क स्पॉट्स है, वो सब क्या करेगा, ये लाइट कर देगा, टैनिंग को अच्छे से रिमूव कर देता है डिटेन पैक। तो ये इसको पहले लगाने के बाद अगर आप फेशियल करते हो तो फेशियल का रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा और एकदम पॉलिशिंग का इफ़ेक्ट देगा, स्किन ब्राइट भी काफ़ी लगेगी। आप आगे देख सकते हैं फेशियल का पूरा प्रोसीजर होने के बाद कि इनकी काफ़ी टैनिंग निकल जाएगी। इसके लिए आप डायरेक्ट फेशियल भी कर सकते हो, अगर कॉम्बो में आप करते हो डिटेन के साथ तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, जिनकी ज़्यादा स्किन टैन है तो आप डिटेन के साथ करना, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप डिटेन ऐसे भी लगा सकते हो, अगर जिसके पास टाइम नहीं है 20 मिनट्स के लिए आप डिटेन रख भी सकते हो। तो ये ऑल स्किन टाइप होता है, ये हर स्किन पे जाएगा, सेंसिटिव स्किन रहेगी या हाइपर सेंसिटिव रहेगी तो भी चलेगा। तो अभी क्या करना है, पैक को 20 मिनट तक ऐसे ही पूरे फेस पे लगा के छोड़ देना है। अभी हमारा पैक को 20 मिनट लगा के हो चुका है। अभी हमारा फुल 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, पैक को निकालना है। 15 से 20 मिनट रख सकते हो, अगर ज़्यादा टैनिंग है तो 20 मिनट रखिए, अगर नॉर्मल है तो आप 15 मिनट पे भी रिमूव कर सकते हैं। इसमें मिंट का फ्लेवर होता है, ये थोड़ा सा ठंडा लगता है, बाद में वो सेटल डाउन हो जाता है। तो आपके क्लाइंट को ऐसा बता देना है आपको, नहीं तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि उनको जलन जैसा हो रहा है, तो आप उनको ये चीज़ पहले ही क्लियर कीजिएगा। आपको हल्के हाथ से थोड़ा सा मसाज दे देना है पूरे फेस पे, जनरली 1-2 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, जो भी आपने पैक लगाया था वो लूज़ हो जाएंगे और रिमूव करने में काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि ड्राई होने के बाद स्किन कैसे खींचता है ना, और पैक भी जल्दी से रिमूव नहीं होता। उसके लिए आप मसाज करके करते हैं तो पैक रिमूव अच्छे से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं डिटेन के बाद फाइनल रिज़ल्ट, देखिए टाइनिंग काफ़ी अच्छे से निकल गया है, तभी कितना डल लग रहा था। अभी हम स्टार्ट करते हैं फेशियल करना। अभी सेकेंड स्टेप क्या है, ये पॉलिशिंग का। किसी किसी किट पे लिख के आता है स्क्रब, और किसी किसी पे डीप क्लिनजिंग भी लिख के आता है, वो तो आपको समझना है। सेकेंड स्टेप में मोस्टली स्क्रब होता है, तो जिसमें ग्रैनुअल्स होते हैं उसको क्या करना है, पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है और जेंटली 1 से 2 से 3 मिनट मसाज देना है। और जैसे एक्ने वाली अगर स्किन वगैरह होती हैं तो उस पर कम मसाज देना होता है, अब नॉर्मल स्किन है तो आप इसे ज़्यादा भी दे सकते हो। तो आपको इसको क्लॉकवाइज में ही देना है, एंटी क्लॉकवाइज में स्टेप। इस पर और ज़्यादा प्रेशर देते हुए नहीं करना है, और हैंड को भी ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है,
और पानी यूज़ करते रहना है इस पर, ताकि वो अच्छे से मूवमेंट हो हैंड का। नहीं तो क्या होता है, बहुत लोग स्क्रब को डायरेक्टली ऐसे ही पानी यूज़ ना करते हुए करते हैं, तो वैसा नहीं करना है। और स्क्रब होने के बाद आप इस पर भी स्टीम दे सकते हो, अदरवाइज़ पैक निकालने के बाद भी आप स्टीम दे सकते हो। जैसे मैंने स्क्रब को अभी क्लीन कर लिया हुआ है, उसके बाद आपको 4 से 5 मिनट तक स्टीम दे देना है ऑयली स्किन के लिए। अभी हमारी क्लाइंट की स्किन तो ऑयली थी, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा स्टीम दिया है। अभी मैं थोड़ा फास्ट आपको दिखा रही हूँ, ताकि वीडियो अपना ज़्यादा लंबा भी ना हो और आप सबको समझ में आ जाए। तो स्टीम देने के बाद आपको क्या करना है, जो भी उनके वाइट हेड्स है या किसी किसी को ब्लैक हेड्स होता है, जो भी उनके होंगे, देखिए क्लाइंट के कितने ब्लैक हेड्स थे, सब निकलने के बाद आपको थोड़ा बहुत नज़र में आ रहा होगा। तो हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है फिर पूरे फेस को, उसके बाद स्पंज से पूरे फेस को ड्राई कर लिया हुआ है। और थर्ड स्टेप है सीरम। अभी सीरम को पूरे फेस पे लगाना है आपको अच्छी तरह। देखिए मैंने चिक्स पे लगाया, चिन पे लगाया, पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद इसको मसाज दे देना है आपको, 2-3 मिनट अच्छे से मसाज दे देना है पूरे फेस पे। देखिए मैं नोचिंग भी कर रही हूँ, ताकि वो सीरम अच्छे से अपने स्किन में पेनिट्रेट हो जाए क्लाइंट के। सीरम से क्या होगा, ग्लो काफ़ी अच्छा आता है, पॉलिशिंग का इफेक्ट देता है और अपने स्किन में डीपली पेनिट्रेट हो जाता है, तो इससे रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब काफ़ी दिनों तक रहता है। और स्किन में एक इवन टोन देने में भी काफ़ी हेल्प करता है सीरम। तो अभी सीरम को अच्छे से हमें मसाज कर लेना है स्टेप बाय स्टेप, इसे भी आपको क्लॉकवाइज में ही करना है। देखिए मैं नोज़ के पास कर रही हूँ, जो भी आपके फेशियल के स्टेप हैं आप स्टेप बाय स्टेप पूरे फेस पे कर लेना है आपको। सीरम बहुत ही अच्छा होता है, ये हर फेशियल किट में नहीं होता है, किसी किसी फेशियल किट में नहीं होता है और किसी किसी में दिया हुआ होता है, डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड का फेशियल कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर किसी किट में आपको सीरम मिले, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी ये 4 स्टेप्स है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम तो सभी को पता है कि उसे मसाज करते हैं क्लींजिंग स्क्रबिंग के बाद, मोस्टली क्रीम मसाज आता है, सीरम किसी किसी किट में होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस पर मैं आपको एक एक बार स्टेप्स करके दिखाऊंगी, आपको वैसे ही स्टेप्स फॉलो करना है। हर स्टेप को आपको 3 बार मसाज देना है। अब देखिए मैं पहले तो सीजर स्टॉक कर रही हूँ, क्रीज आपको क्रीज क्रॉस कर लेना है, उसके बाद नेक पे कर लेना है आपको। आपको मैं स्लो मोशन में ही करना है फेशियल के स्टेप, मसाज स्टेप जब भी आप करेंगे ध्यान देना है आपको स्लो मोशन में ही करना है। नहीं तो फास्ट करने से क्या होता है, रिलैक्स नहीं होता है, रिलैक्स नहीं लगता है क्लाइंट को, और इतना अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं आता। अगर आप अपने क्लाइंट को अच्छा रिज़ल्ट देना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, उससे क्लाइंट को रिलैक्स भी होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, तो टैनिंग भी अच्छी निकलेगी और लाइटनिंग का भी इफेक्ट करेगा। जैसे ये ब्राइडल ग्लो है, ब्राइडल ग्लो का हमने क्लीट किया लिया हुआ है, ये पॉलिशिंग का भी इफेक्ट देता है, स्किन के जितनी भी टैनिंग है, डल है, सब डलनेस को भी रिमूव कर देता है। देखिए हर स्टेप को आपको 3-3 बार करना है।
अभी मैम पूरे फेस पे मसाज करके हो चुका है। अभी हम इसमें वाइब्रेटर मशीन यूज़ कर रहे हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन करने में काफ़ी हेल्प करता है और रिलैक्स भी करता है स्किन को। आपको इसे 3 मिनट तक देना है, उसके बाद फिर से एक हाथ एक वन स्टेप आपको फेशियल के कर लेने हैं। एक बार जनरल स्ट्रोक करते हुए आपको पूरे फेस को क्रीम जो है पूरे अब्जॉर्व कर लेना है। अब क्रीम में ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रीम लेके ही मसाज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्रीम को निकाल लेना है मसाज होने के बाद। देखिए सभी क्रीम जितने भी हमने लिए थे सब अब्जॉर्व हो गए हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको भी ऐसे ही क्रीम को अच्छे से पेनिट्रेट कर लेना है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है मसाज पैक। ये अभी हमने फेस पैक यूज़ किया हुआ है पूरे फेस पे। आपको जैसे आप फेस पैक लगाते हैं पूरे फेस पे वैसे ही आपको अप्लाई कर लेना है, अपर डायरेक्शन में पूरे फेस पे आपको पैक लगा लेना है। अभी हम देख सकते हैं पैक लगा के हमारा हो चुका है। अभी उसे 10 मिनट तक लिए हमने वैसे ही छोड़ दिया था। 10 मिनट होने के बाद आपको क्या करना है, पैक को थोड़ा लूज़ कर लेना है, जैसे कि पानी लगाते लगाते उसको थोड़ा गीला कर लेना है और मसाज करते हुए करेंगे तो कैसा पैक थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो रिमूव करने में आपको ईजी हो जाएगी, तो अच्छे से निकलता है स्किन। देखिए काफ़ी ब्राइट लग रही है हमारे क्लाइंट का, और कितना उनका जो टैनिंग था सब निकल गया, स्किन भी लाइट लग रही है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके आपके दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं पैक के बाद जो 6 स्टेप था ना, हाइड्रेटिंग जेल, तो वो भी आपको अप्लाई करना है। इसे जैसे सनस्क्रीन लगाते हैं वैसे ही अप्लाई करके छोड़ देना है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।